जैसी बालाजी की। तो ये मंदिर की जी की खासियत है बताने लग रहा है लगातार ऊंचाई पर है तो बात है साफ तौर देख सको हो। यहाँ पे बीकानेर के राजा थे वो किला बनाना चाहते थे यहाँ पे। तो जगी में मैं मनोकामना मांगे मन से मांगा नहीं बाबा जरूर पूरी करे। राम राम सा मैं थरदेशी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो दिल को चूरू मंदिर स्पेशल कवरेज आपा लगातार करामना जी का क्षेत्र का चूरू जिला जितना भी मंदिर है वन दिखानी आपा कोशिश करा बैंग तहत है सुजानगढ़ को एक मंदिर है बालाजी को मंदिर है और बैठापा ले गया मंदिर की खास बात थाने पे लिए बताना चाहूंगा काफी ऊंचाई पर वो मंदिर है और बाकी जितनी भी कोई खासियत है मान तो एक तो ऊंचाई की लोकेशन है बड़ी जबरदस्त लगी और मैं बाद में ये मंदिर ने चूज करने की सोची। हाँ अमूमन अपने क्षेत्र में है रेतीलो क्षेत्र है पहाड़ वगैरह अपने क्षेत्र में को नहीं लेकिन वो पहाड़ी के ऊपर वो मंदिर है आगने के सांप है तो आगे जी पकड़ा पकड़ी किया करो बात चीज बताओ माने जी हाँ एक तो खावे को नहीं है अमूमन जी कालो जी को नाग वे जहरीलो है जी को माने जावे थे वो काली पकड़िया बैठे हो। देखो वो तो मंगे खानदानी काम है जितना सपेरा ने काटे को नहीं के पड़ेगा सपेरो बेरो तो पड़े है देखता था बढ़ जाएगा सपेरो है अब जी हमारे बैठे हुए वो बारह जी फिर भी थे पकड़ के खावे को नहीं बारह आओ बोले की कौन कैसे वो स्वामी ने किलो जावे स्वामी ने बाद में फाचा छोड़ना पड़ा 40 दिन बाद में छोड़ना ही पड़ा फिर जी दूसरो लोगे दूसरो लिया चेंज कर लाए मिले कितना फिर मिले तो कोई घर में बैठ जाए आसपास अच्छा मन बुलाओ आओ सपेरा जी पकड़ो तो वो बन बेरो के पड़े गए बहू जी पकड़े बन तो आस पास है ही मैं देवानी रवान ताल छापर करने आस पास एरिया में सगन था क्या बड़ा मिलेगा देवानी में शाम पाला किलन की जगह प्रोसेसिंग है की बाबा किलन वाले तो जितना मानो मारे गुरु को वरदान है मानो अच्छा कन्नी पाव जी को वरदान है और सांप जितने दिन रखोगा मनसा भोजन में मिलेड़ो मन तो अच्छा फिर 40 दिन बाद में 41 दिन बाद में छोड़ना पड़े छोड़ना पड़े या कालो ही पकड़ो या और भी नहीं वही देवद्रूपी कालो ही हुआ वही पकड़ा मैं और कौन बंडी मुंडी हाथ कौन कालोगे भाई खराब भी होगी खराब भी होगा डर तो कौन लगे मैं पकड़ तो लियो यहाँ हाँ पर मैंने बाहर ही छोड़ियो जाए बाहर नुगरी हुआ है अच्छा कई है मान लो कब एक आंग जहर जहर निकाले है तो इसी भी कोई बात होगी जहर जहर में तो निकाला हुआ अब हम की को निकाले तो वो मान लो कहेंगे जहाँ अब काट जाए तो दिक्कत हो सके काट जाए तो फिर वही है डस जाए तो यार मुँह कौन खुले अच्छा मुड़ मिले किल्लड़ो है कौन किल्लड़ो पर नहीं रखो यार भाई अभी थे दर्शक ना मन को लेना दर्शकों में थाने लेना ले लियो जे यहां इन हाथ से पकड़ा नहीं तो वो खुद टूट जावे अच्छा इन्हें दबा के लानू आगू पकड़ना पड़ा तो ए जिया खेता खुता मिले क्या मिले खेता में मिल जाए गर्मी बढ़ जाए आसपास अब गर्मी निकलती है फिर जे 41 दिन बाद में छोड़ दो तो जिया खड़ छोड़ो कोई यहाँ जंगल देख के और फिर जहाँ मान लो थाने यहाँ के बेरो पड़ेगा जहाँ और दूसरा दूसरा भी बोक दिया जाए दोबारा सीध में दोबारा आओ जाओ पकड़ लो भले कोई दिक्कत कोई नहीं बहुत थोड़ा सा हड़को हो जाए थाने पता चल जाएगा चल जाएगा और थोड़ा पकड़े डो है बिना ज्यादा दुखी तो कौन करता होगा ना ना दुखी कौन करता है कमाई समाई कितनी हो जाए हूँ कमाई क्या हुआ है कोई 150 रुपया हो जाए बस खानदानी काम है छोड़ा कौन बस पुरानी संस्कृति ने बता दिया देखो झाड़ो भी हुआ है अच्छा और दुआई भी हुआ जड़ी बूटी बा गोल के पिलाने से पता चल जाएगा सांप ये जेर चढ़ी हुआ है कि नहीं चढ़ी हुआ अच्छा जी एक किलन की बात कब है तो बा जी मान लो कोई मंत्र क्रिया हुआ है या मान लो जी कोई विशेष अब कई तो यहाँ कहेगा इशू कोई दांतांग लगा दे हुए मंत्र मंत्र सब की कोई नहीं फेल झूठी बात है सब तो एम की करो जी एक माने वरदान मिलेड़ो है अच्छा वो स्वामी ने जो रखोगा मारा कनी पाओ गोरखनाथ जी को वरदान हो क्या जितने दिन जोगी थे झोली में रख और था मनसा भोजन है तो भी की आन दिराए जहाँ सोगन मतलब सौगन दे रहे हैं वो मुंह बंद हो जाए नहीं तो बंद तो हो जाए लेकिन काटा कौन देवद्रूपी है तो नहीं वो तो ठीक है लेकिन मानली खजा मानली कौन माने एंगो जी थान बेरो के पड़ेगा आपने जी आन है वान है वो मान गयो के मान गयो तो माने पता चल जाए मुंह बाओ कौन पकड़ो मैं टाइम बीन मान भी बजाओगे थे बीन भी बजाओ मैं अब है के बीन हां तो कोई नहीं बीन की पार्टी हुई नहीं बीन की पार्टी में थाने बताऊंगा यहां नाचे सांप अच्छा जद वो
कार्य कर हुआ है। अच्छा अच्छा, तो किलन की आज की बात है मूवमेंट आप देखा के ए लोग है जी का सांप है वो पकड़ा। खैर कुछ बात ही जी अपने लोकलिटी के अंदर प्रचलित है आप जानने की भी कोशिश करिए। अच्छा, एक तो मान पिछाड़िया है मतलब चैनल देखे करोगे? हाँ जी देखते हैं आपका चैनल। अरे फिर क्या की कुछ लाग रही है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा आज जी हाँ मैं आ गया थारकन तो और भी बढ़िया लग रही होगा। हाँ जी। अच्छा अब मंदिर की आप बात कर लिया तो एक तो पहली बात लोकेशन बताओ, यदि कटों या सुजानगढ़ क्षेत्रों आवे तो कौन सो रस्तो है या और कौन जो भी क्षेत्र है बड़े कौन सो रस्तो है? सुजानगढ़ विदासर रोड के ऊपर है। सुजानगढ़ से 9 किलोमीटर पड़ता है, विदासर से 13 किलोमीटर है। काड़वा छापर बीच का स्थान है। दूसरी जी अपना मंदिर है तो एक तो विशेष चीज माना लगी का पहाड़ी क्षेत्र ऊपर वो मौजूद है। मूवमेंट अपने क्षेत्र में पहाड़ है ही को नहीं, कोई एक दो जगह मिलेगा? हाँ अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पे बीकानेर के राजा थे वो किला बनाना चाहते थे यहाँ पे, तो उनको बालाजी महाराज ने दर्शन दिए कि मेरी मूर्ति मिलेगी तो मंदिर बना देना, तो बीकानेर से चल के आए यहाँ पे, तो उनको ये वाली मूर्ति मिली इधर वाली, तो उन्होंने छोटा मंदिर बना दिया और ये बीच वाली मूर्ति है तो अपनी तरफ से स्थापना करवा दी। जंगल था उस टाइम, तो 1627 में बनाया था ये मंदिर 450 साल पहले, फिर धीरे धीरे भक्तों के द्वारा बड़ा होता गया और बाद में जसवंतगढ़ तापड़िया परिवार ने इधर वाली मूर्ति स्थापना करवाई थी, इसलिए यहाँ पे 3 मूर्तियां हैं। अच्छा मंदिर की थे पुराने ही बात कर रहे हो तो सीढ़ियां वगैरह मनेरी है देख के लाग रही भी है क्या भाई टाइम ये है पुराने टाइम? हाँ भक्तों के सहयोग से धीरे 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 विकास होता गया, कोई भक्त ने कोई चीज बनाई कोई भक्त ने कोई चीज बनाई, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आज यहाँ कठे कठे का भक्त है जी का आपने इस क्षेत्र में आवे है? भक्त तो आपने क्षेत्र का प्राय प्राय सब आवे ही है। दिल्ली आया जरूर हो लेकिन थे हो यही क्षेत्र का? मैं लाडनू को पर मैंने दिल्ली 35 साल लगे रहता, अरे स्पेशल दिल्ली उसी दो आ रहे हूँ बाबा का, पहले सालासर गयो अब सीधो आ रहे हूँ। मान्यता तो मैं पुरुषा की जुड़े जी मैं जात जुड़ला वगैरह सब बाबा का ही हुआ भी बोल जुड़े रहा मैं बाबा जी और मैं क्या मनोकामना सगली पूरी हुआ जकी भी मैं मनोकामना मैं मन से मांगा नहीं बाबा जरूर पूरी करे। मतलब दिल्ली में भी जा गया प्लान भूलोगा नहीं? ना बिल्कुल नहीं भूला। आपने संस्कृति क्यों छोड़ दिया? आप जा जुड़ला सब कुछ यहाँ होते हमारे यहाँ पे। अच्छा युवा पीढ़ी है भाई चीजा थोड़ी कम माने? नहीं आन की कोई बात को नहीं, माँ बाप वही सिखाए कि जो तुम्हारे बड़े जो तुम्हारे लिए विरासत छोड़ के गए हैं उसकी हमेशा मतलब पूजा करनी चाहिए। विशेष तो चैत की पूनम और असोज की पूनम का 2 मेला भरता है साल में। चैत की पूनम का मेला होता है, एक असोज की पूनम का मेला होता है, 2 मेले होते हैं साल के। हाँ जागरण और रेव कठवा है वो सब थे दस रिया नौ खाते से अठावन साल में एक दो बार आज यहाँ की सुजानगढ़ रूट लगे देना आज यहाँ बाद में यदि मंदिर की बात कर लिया तो मंदिर के ऊपर जब आप पहुंच गया तो अपन बिल्कुल भी लगा हुआ पाई इतनी ऊंचाई पर है जिसका आ यहाँ ऊपर की लोकेशन है भाई सब सेट कर दीजिए कि सामान्य मंदिर आपने नीचे हो गए भाई सब मंदिर है ऊपर आगे यदि बात कर लें तो अलग अलग है देवी देवता का मंदिर अठे बने रहा है। यहाँ बारिश वगैरह वजह तो थोड़ी और भी चहल पहल बढ़ जाती होगी? बहुत बड़ी सावण में तो बहुत बड़ो अठरे चहल पहल, यात्री दूर दराज वहाँ रहने रहने की सारी सुविधा है, गाड़ी मोटर की चारी मेर सुविधा है। और जीता दर्शक है ने पूरी वीडियो देखी है भाई एक स्पेशल चीज अरे बता दूँ कि थोड़ा सा परेशानी है अपने कम हो यदि कोई साधन वगैरह बाइक वगैरह ले गए थे आओ तो एक साइड में है और रस्तो है जी कहीं पर बाइक या कोई गाड़ी वगैरह है मैं डायरेक्ट ऊपर आ सके और जी का कोई किराया भाड़न करके ले आवा या अन्य सोर्सों आवे बस वगैरह हूँ बंगली है जी को मैं फिलहाल रस्तो उदाहरण ला रही हूँ और रस्तो है जी को बनाए डो है जी को ऊपर 10 सेट है जी की तैयार करेडी है। मंदिर की स्पेशल कवरेज के अंदर रणनीति बतानी चाहूंगा कि मंदिर है जी वो ऊंचाइयों ऊपर है, ऊपर तो देखो प्रत्येक मंदिर की अपनी अपनी आस्था है जी की हो है लेकिन काफी ऊंचाई ऊपर है। आप एक दर्शनीय स्थल की भी दृष्टि में मंदिर ने देखा तो काफी शानदार वो मंदिर है। यदि बारिश वगैरह का मौसम हो तो ये मंदिर की अलग ही आप कैसा हाँ के आनगो नज़ारो है जी को देखने मिले। बाकी तमाम कवरेज थनकियाँ लगी फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा दियो। जय चुरू जय राजस्थान जय हिंद।